गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास हमने वॉशिंग सोडा पढ़ लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या जिसको हम प्यार से क्या कहते हैं, NaHCO3, और सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। आइए देखिए क्या होता है ये। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज NaHCO3। तो आप इसको यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ आपको पहले से ही पता ही थी, अल्सो कॉल सोडियम बाइकार्बोनेट, हमें पता ना HCO3- जो रेडिकल है इसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते थे और इसको हम बाइकार्बोनेट भी बोलते थे। तो सोडियम लगाएंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम इसको बोल सकते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बेकिंग सोडा इज समटाइम्स एडेड फॉर फास्टर कुकिंग ऑफ फूड सच एज ग्राम, यानी कि चना। आपने कई बार देखा होगा, मम्मा लोग क्या करती है, चना को पकाने से पहले ही एक दिन पहले उसको भिगोया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कभी कभार ऐसा नहीं हुआ, मतलब कि चना भिगोने के लिए लोग भूल गए और अचानक से प्लान बना चना से कुछ बनाना है हमें, तो उस केस में मम्मा लोग क्या करती हैं, क्योंकि जब चना को बॉयल करने स्टार्ट करते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो उस केस में यानी जब हमें कुकिंग फास्ट करानी हो तो हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा सोडा मिला देते हैं। हाँ, वो सोडा कौन सी सोडा होती है? बेकिंग सोडा, हमारे खाने की वाली सोडा होती है। इससे क्या होगा, जो कुकिंग की रेट होती है वो बढ़ जाती है और जल्दी से आपका चना क्या होता है, तैयार हो जाता है। क्लियर है? सो नेक्स्ट हमारा प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब मुझे बेकिंग सोडा बनाना है तो बताइए बेकिंग सोडा कैसे बनाएंगे। हाँ, याद है पीछे जब हमने वॉशिंग सोडा का 3 स्टेप फॉलो किया था तो मुझे पहले ही स्टेप में क्या मिला था, गुड बेकिंग सोडा मिल गया था। क्या क्या था उसमें बताइए फटाफट। हाँ, हमने सोडियम क्लोराइड लिया था, ठीक, और वेरी गुड, अमोनिया से रिएक्शन कराया था इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड H2O। मुझे कंपाउंड क्या मिला था, बहुत अच्छे, दैट वाज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस हाँ अमोनियम क्लोराइड, जो कि क्या है, एक सॉल्ट है, ये मिला था। क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है। ये क्या है हमारा, दिस वन इज बेकिंग सोडा, यही तो मुझे बनाना था। तो अभी क्या मुझे आगे सेकेंड या थर्ड या फोर्थ स्टेप की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है, मुझे पहली बार में ही मुझे बेकिंग सोडा मिल गया तो मुझे आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि बेकिंग सोडा बनाना बिल्कुल आसान है। अगर आपको वॉशिंग सोडा बनाने आता है तो बेकिंग सोडा उससे भी आसान है, क्योंकि बेकिंग सोडा आपको फर्स्ट स्टेप ऑफ वॉशिंग सोडा में ही मिल जाता है। क्लियर है, कर सकते हैं। चलिए, तो प्रोडक्शन आप लिख लें, प्रोडक्शन में आप पूरा यहाँ तक कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कंसिस्ट ऑफ वाइट क्रिस्टल्स विच आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। हाँ, वो भी क्रिस्टलाइन था ना, ये भी क्रिस्टल्स ही होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, पानी में थोड़ा बहुत सोल्यूबल होता है, बहुत थोड़ा सा। हमने देखा था वहाँ पे भी, जब हम पहला स्टेप कंप्लीट किए थे तो उसके बाद सेकेंड स्टेप में मुझे क्या करना था, बेकिंग सोडा को पहले ड्राई करना था फिर हीट करना था। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ था तो उसमें बेकिंग सोडा वाटर के अंदर मिला था एक्वस फॉर्म में, और वो भी किस फॉर्म में, प्रिसिपिटेट के फॉर्म में। यानी कि जो बेकिंग सोडा है वो पानी में जल्दी मिक्स नहीं होता, मिक्स होता है बहुत ही कम अमाउंट में मिक्स होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज रिटन स्पेरिंगली मीन्स इन अ वेरी लेस अमाउंट। दूसरा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ मिल्ड का मतलब वीक नॉन कोरोसिव बेस। हाँ, मिल्ड का मतलब एक तो ये वीक बेस है, यानी कि आप अगर इसको खा लेते हैं आपके बॉडी पे कहीं लग जाता है तो आपको इरिटेशन वगैरह नहीं होगी, ज़्यादा प्रॉब्लम के चांसेस बिल्कुल नहीं है। दूसरी, नॉन कोरोसिव बेस का मतलब आप जिस बॉडी के कॉन्टैक्ट में रखेंगे इसको, ये उस बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं करता, यानी उसे वो डैमेज नहीं करेगा। द सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन वाटर इज मिल्डली अल्कलीन। अब अगर आप बेकिंग सोडा यानी जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसको वाटर में मिक्स करें तो वो थोड़ा सा मिल्डली, मतलब बहुत ही थोड़ा सा क्या होता है,
मिक्स होता है, यानी कि जो वहाँ पे अल्कलीन बनेगा वो क्या होगा, वीक अल्कलाइन बनता है। क्यों? क्योंकि मिक्सिंग ही थोड़ी सी होती है। चले तो इसमें आप क्या यहाँ तक लिखेंगे बस। नेक्स्ट हमारा एक्शन ऑफ हीट। अगर आप इसको हीट करेंगे किसको, सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो क्या मिलेगा? ये तो मुझे पता है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने पे मुझे क्या मिला था, सोडियम कार्बोनेट और H2O प्लस CO2 मिलता है। पिछली बार हमने देखा था पिछले लेक्चर में, तो देखिए वही चीज़ है। एक्शन ऑफ हीट, व्हेन अ सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड देन इट डीकंपोज टू गिव सोडियम कार्बोनेट विद द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप सोच रहे होंगे सर ये वाटर कहाँ गया? एक्चुअली जब आपको सोडियम कार्बोनेट बना वो तो वाटर के अंदर ही बना था ना, तो वो और ये तो कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। बस ये क्या होगा, CO2 गैस है, तो तुरंत क्या होगी, आके एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है। रिएक्शन यहाँ पे आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा द एबव रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा इज हीटेड ड्यूरिंग द कुकिंग ऑफ फूड। ये रिएक्शन कब होता है, जब हम बेकिंग सोडा डाल के कोई चीज़ पकाते हैं, जैसे वाले जब हम पकाएंगे खाना तो उसको हीट करेंगे, तो उस केस में क्या होता है, जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा है वो टूट जाता है किसमें, सोडियम कार्बोनेट, और वहाँ से हमें CO2 गैस देखने को मिल सकती है, देखने को मिल सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दिखाई पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। सिंस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑन हीटिंग, इट इज़ यूज्ड एज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर एंड इन एफर्विसेंट ड्रिंक्स। हम बहुत सारे ड्रिंक्स में इसको मिक्स करते हैं बेकिंग सोडा को, और हम क्या करते हैं घर पे डॉ तो आप लोग जानते ही होंगे बनाते हैं कब, हमें जब गुलाब जामुन वगैरह बनाना हो, ऐसी कुछ चीज़ें डिशेज जो कि फूल के थोड़ी सी बड़ी होती हैं साइज में, तो वहाँ पे हम डॉ का यूज करते हैं, और डॉ बनाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। आप घर पे मम्मा से पूछ सकते हैं, अगर मुझे गुलाब जामुन बनाना है तो आप अगर ध्यान से देखे होंगे तो जो गुलाब जामुन की साइज होती है स्टार्टिंग में वो ये होती है, लेकिन वो पूरी तरह से तैयार होने के बाद वो लगभग ये साइज गेन कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द डो, और डो में ऐसा क्या था, दैट वाज द प्रेजेंस ऑफ बेकिंग सोडा। तो आप ये रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद आप यहां से ये चीज यहां तक लिख लेंगे, कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूजेस ऑफ हाइड्रोजन कार्बन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा। पहला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टमक। बहुत सिंपल सा है, ऐसा क्यों करते होंगे, क्योंकि जो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा है वो क्या होता है, नेचर में बेसिक होता है, तो जब वो एसिडिटी बढ़ जाती है तो हम इसको खाते हैं तो वो हमारे एसिडिटी के इफेक्ट को कैंसिल करता है, इसीलिए वहाँ पर हम एज ए मेडिसिन भी यूज इसको करते हैं। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, बिंग अल्कलाइन बेसिक नेचर का होने की वजह से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक एंड रिलीव्स द इनडाइजेशन। हाँ, जब हमारा भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है तो उस केस में हमारी एसिडिटी को कम करने के लिए हम बेकिंग सोडा को यूज करते हैं। दूसरा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा इज यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर कहाँ यूज होता है? हाँ, हमारे घरों में कुकिंग में, या फिर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और जो बेकरी शॉप होती है जहाँ पे केक वगैरह तैयार किया जाते हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। लिखा है ना, यूज इन मेकिंग केक्स ब्रेड एक्सेट्रा। देखिए, अब बेकिंग पाउडर क्या है? बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा। जनरली क्या होता है, बच्चों के माइंड में ये चीज़ आ जाती है कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा एक ही है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। हाँ, बेकिंग सोडा को मिक्स करके बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। देखिए, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अ मिल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टेरिक एसिड। हाँ, उसमें हम टार्टेरिक एसिड को मिक्स करते हैं। मिल्ड का मतलब वीक एसिड है। टार्टेरिक एसिड कौन सी एसिड होती है? हाँ, जो टैमरिंड इमली में मिलती है हमें। व्हेन बेकिंग पाउडर मिक्सेस विथ वाटर प्रेजेंट इन डॉब मेड फॉर बेकिंग केक और ब्रेड, देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद टार्टेरिक एसिड टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड
गैस। जब हम क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर को, अब ध्यान है मिक्सचर, बेकिंग सोडा को बात छोड़ के बेकिंग पाउडर की बात कर रहे हैं, यानी कि हम मिक्सचर की बात कर रहे हैं जिसमें कि टार्टेरिक एसिड भी है और साथ में वहाँ पर बेकिंग सोडा भी है। जब हम इसको कुकिंग में यूज करते हैं तो ये क्या करता है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या देते हैं, Na प्लस CO2 गैस और वाटर, यानी कि Na प्लस आयन हमें मिलता है वहाँ पे, सोडियम आयन हमें मिलता है। ये कहाँ से मिला हमें, टार्टरेट सॉल्ट से। अब ये क्या है देखिए, ये देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, जब ये टार्टेरिक एसिड से रिएक्ट किया। अब टार्टेरिक एसिड का आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, उसकी कहीं जरूरत भी नहीं होती, बताई भी नहीं जाती है, लेकिन एक चीज़ तो पता है, अगर वो एसिड है तो उसमें कौन से कंसंट्रेशन होंगी, वेरी गुड, दैट विल बी एच प्लस आयन, बेस होता तो क्या मिलता हमें, ओ एच माइनस, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ एच प्लस लिखा गया है। तो ये एच प्लस से रिएक्ट करके वो हमें क्या देगा, एन ए प्लस आयन, और ये हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है एन ए निकाल देंगे तो यहाँ से एच सी ओ थ्री पर जा, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन इसका लेके बना लेंगे वाटर का मॉलिक्यूल H2O। अब एक कार्बन बचा और ऑक्सीजन कितने बचे, दो ही बचे, वो क्या बन गए, CO2 गैस, यानी कि उस केस में भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को मिल सकता है। फिर से वही बात, देखने को मिल सकता है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिखाई पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड गेट्स ट्रैप्ड इन द वाटर डॉ एंड बबल्स आउट स्लोली मेकिंग द केक और ब्रेड टू राइज एंड बिकम सॉफ्ट एंड स्पंजी। आपने कई बार देखा होगा जो ब्रेड होती हैं या केक वगैरह बनाया जाता है वो काफ़ी फूला फूला सा रहता है, यानी कि अपने ओरिजिनल साइज से काफ़ी बड़ा दिखता है, ऐसा क्यों होता होगा। हाँ, जब हम उसमें बेकिंग पाउडर मिलाते हैं यानी कि बेकिंग सोडा का मिक्सचर एसिड के साथ मिलाते हैं तो वो रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, वहाँ से CO2 गैस रिलीज होती है। अब CO2 गैस जब रिलीज होगी और ऊपर से कुछ ही ढका हुआ है तो धीरे धीरे क्या करेगा, उसको ऊपर उठाता है, यानी कि एक्चुअली जो साइज आपकी केक की ये होनी चाहिए, इसमें जब आप गैस भरते जाएंगे क्योंकि ये सॉफ्ट होता है तब ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे फूलना शुरू हो जाएगा और फूल के कुछ ऐसे साइज को गेन कर लेता है, यानी कि वो अपने साइज को बढ़ाने लगता है। क्यों बढ़ता है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये CO2 गैस क्यों मिला मुझे, क्योंकि मैंने वहाँ पर बेकिंग पाउडर का यूज किया था, बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा भी था और टार्टेरिक एसिड भी थी, टार्टेरिक एसिड से H+ आयन्स लेके वो रिएक्ट करता है और CO2 गैस बनता है। बात समझ में आ गई, कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये क्या रहेगा आपके बस माइंड में रहेगा तो हमेशा काम ही करता रहेगा। इफ़ हाउ एवर बेकिंग पाउडर इज नॉट एडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ केक और ब्रेड देन द केक और ब्रेड विल नॉट ऑब्टेन हार्ड एंड क्वाइट स्मॉल इन साइज। खैर उसकी जरूरत नहीं है, ये वही चीज़ का रिवर्स लिखा गया, अगर आप केक वगैरह बनाने में बेकिंग पाउडर का यूज नहीं करते हैं तो उस केस में आपकी केक की साइज जरूरत से ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, वो फ्लफी नहीं होगी, यानी को फूला हुआ नहीं मिलेगा आपको, स्पंजी नहीं होगा, आप उसको दबाएंगे तो दबेगा नहीं, क्योंकि वो अपने ओरिजिनल साइज में अगर है तो दबेगा नहीं, जैसे ये ओरिजिनल साइज में तो आप इसको दबाइए नहीं दबेगा। अब एक बैलून ले लीजिए आप, ये क्या है, अपने ओरिजिनल साइज जो पहले रहा होगा डिफ्लेटेड बैलून, यानी कि बिना हवा वाला बैलून, इसको आप दबाएंगे तो चेंज नहीं होगा, उसकी जो साइज है वही रहेगी, लेकिन अगर इसमें हवा भर के आप उसको दबाएंगे तो ये क्या होता है, साइज इसका थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल जाता है। हाँ, तो वो चीज़ अगर आपने बेकिंग पाउडर यूज नहीं किया है तो आपके केक या ब्रेड में ऐसी चेंजेस देखने को नहीं मिलती और फिर आपका ब्रेड भी क्या बन जाता, हार्ड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, अब आप सिर्फ समझ लीजिए, जो काम का होगा हम आपको लिखा देंगे, बट फिलहाल समझना ज़रूरी है। इफ़ ओनली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा इज यूज इन मेकिंग केक और ब्रेड देन द सोडियम कार्बोनेट फॉर्म ईट बाई द एक्शन ऑफ हीट ड्यूरिंग बेकिंग विल गिव अ बिटर टेस्ट और केक और ब्रेड। हाँ, अब ये चीज़ अच्छी लिखी गई है, आपको लिखना नहीं है, ये आपसे बताया जा रहा है कि अगर हम बेकिंग पाउडर की जगह पर हम अगर बेकिंग सोडा सिर्फ यूज किए होते, अगर मैं क्या यूज किया होता, बेकिंग सोडा,
तो क्या हुआ होता? अब देखिए, जब आप बेकिंग सोडा यूज करेंगे तो बताइए बेकिंग सोडा से आपको क्या मिलता है? बेसिक नेचर, यानी कि बेस की तरह। बेस का टेस्ट आपको पता ही है कैसा होगा? हाँ, वेरी गुड, दैट इज बीटर इन टेस्ट। यानी कि उस केस में जब आप ब्रेड को खाते तो आपको कड़वा दिखता, केक खाते वो भी कड़वा लगता, तो खाते ही क्यों? फिर तो खाते भी नहीं, बर्थडे पे तो कोई भी केक मंगाता भी नहीं, तो फिर ऐसा क्या हो गया? अब जब केक वगैरह खाते तो हल्की बहुत उसमें टेस्ट आती है, फ्लेवर आता है, खट्टा भी लगता है, तो ऐसा क्या हुआ होगा? हाँ, हमें अगर सावर टेस्ट चाहिए, खट्टा वाला टेस्ट चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ एसिडिक यूज करना पड़ेगा, और उसमें हमें H प्लस आयन्स मिलेगा, और वो एसिडिक आयन हमें कहाँ से मिलता है? यस, दैट वी गेट फ्रॉम द टार्टेरिक एसिड। इसीलिए हम बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा भी होगा प्लस इसके साथ साथ टार्टेरिक एसिड भी होगी, जो इसके टेस्ट को, जो बिटर टेस्ट था उसको कम करेगी और एक नया फ्लेवर ऐड करेगी। क्लियर है? चले नेक्स्ट। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग बेकिंग पाउडर इज दैट टार्टेरिक एसिड प्रेजेंट इन इट कैन रिएक्ट विद एनी सोडियम कार्बोनेट फॉर्म्ड एंड न्यूट्रलाइज इट। दूसरी चीज, इसके क्या फ़ायदा है अगर टार्टेरिक एसिड अगर उसमें है तो? इसका बहुत सिंपल सा फ़ायदा है कि जो भी आपका सोडियम कार्बोनेट बनेगा वो उससे रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट बेस होगा नेचर में बनने के बाद। जाहिर सी बात है, जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है ना। हम लोग पीछे भी देखे थे कब, प्रोडक्शन ऑफ वाशिंग सोडा में सेकेंड स्टेप यही था। तो जब हमें सोडियम कार्बोनेट मिल गया तो उसको न्यूट्रलाइज, क्योंकि वो बेस है तो उसे कड़वा टेस्ट आएगा, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ एसिडिक डालना पड़ेगा, और वो कौन है? टार्टेरिक एसिड। एंड द सोडियम टार्टरेट सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन हैज अ प्रेजेंट टेस्ट। अब क्योंकि आप देखिए, सोडियम कार्बोनेट एक बेस का रिएक्शन टार्टेरिक एसिड से करा रहे हैं, तो जब भी एसिड बेस का रिएक्शन होता क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। जो सॉल्ट बनेगी सोडियम कार्बोनेट और टार्टेरिक एसिड के रिएक्शन से, उस सॉल्ट का नाम होता है टार्टरेट सॉल्ट। क्या नाम है उसका? टार्टरेट सॉल्ट। और इसकी जो टेस्ट होती है दैट इज प्लीजेंट, यानी कि वो काफ़ी अच्छा होता है। प्लीज नोट दैट एज लॉन्ग एज बेकिंग पाउडर इज ड्राई, आपको इसी का ध्यान रखना है, जब तक कि आपका बेकिंग पाउडर ड्राई है, द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टेरिक एसिड प्रेजेंट इन इट डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर। वो तब तक रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि रिएक्शन तो तब स्टार्ट होती है जब हमें H प्लस आयन्स मिलेंगे, जब हमें H प्लस आयन्स मिलेंगे। और कोई भी एसिड H प्लस आयन्स कब देता है? वेरी गुड, जब वो वाटर में मिक्स किया जाता है, यानी कि जब आप बेकिंग पाउडर लेते हैं सॉलिड वाला फॉर्म, अगर आप उसको टेस्ट करेंगे तो आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बेकिंग पाउडर जब लिया आपने तो उसमें आपको बेकिंग सोडा और टार्टेरिक एसिड मिली जरूर, लेकिन उनका रिएक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि रिएक्शन नहीं हुआ तो टार्टरेट सॉल्ट नहीं बना, इसलिए आपको उसकी टेस्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। ये टेस्ट सिर्फ तब आपको देखने को मिलेगी जब हम इसको कुकिंग करते हैं, यानी कि वाटर के साथ कहीं ना कहीं मिक्स करते हैं, क्योंकि वाटर में मिक्स होने के बाद ही आपका जो टार्टेरिक एसिड है वो H प्लस आयन देगा, और फिर हमारा जो बेकिंग सोडा है वो सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा, दोनों रिएक्ट करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे और टार्टरेट सॉल्ट बनाएंगे, और उस टार्टरेट सॉल्ट की वजह से आपके केक या ब्रेड की जो भी टेस्ट होगी वो फ्लेवर आपको मिल जाता है। दे रिएक्ट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट मेनी टाइम्स वी कन्फ्यूज बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। क्या आपको कन्फ्यूजन है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में? नहीं है ना? हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बेकिंग सोडा कंपाउंड है, बेकिंग पाउडर मिक्सचर है, किसका? बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का। बेकिंग सोडा इज अ सिंगल कंपाउंड दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑन द अदर हैंड बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अ सॉलिड, कौन सी? सॉलिड एडिबल एसिड। एडिबल का मतलब जिसको हम खा सकते हैं, ईटेबल, सच एज टार्टेरिक एसिड और साइट्रिक एसिड। हाँ, टार्टेरिक एसिड इमली में मिलती है, साइट्रिक एसिड हर खट्टी चीज़ों में मिलती है, तो उनका नेचर लगभग एक दूसरे के आसपास ही होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन फायर एक्सटिंग्विशर।
हाँ, आग बुझाने में भी हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। देखिए कैसे, सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन, जो सोडा एसिड टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर बनाया जाता है उसमें क्या होता है, दैट कंटेन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सॉल्यूशन रखा जाता है एंड सल्फ्यूरिक एसिड इन सेपरेट कंटेनर्स इनसाइड देम, और क्या रखा जाता है उसमें, सल्फ्यूरिक एसिड भी रखा जाता है। बात समझ में आ गई, यानी कि एक कंटेनर में, आप ध्यान से देखिए, ये आपको डायग्राम विजिबल होगा, ये जो आपको लिक्विड दिख रही है, ये लिक्विड क्या है हमारी, दैट इज द मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि इसमें हमारा बेकिंग सोडा का मिक्सचर रखा गया है। अब ये देखेंगे तो यहाँ पर रस्सी से बांध के एक ट्यूब लटकाई गई है, अगर यहाँ विजिबल नहीं है तब अपने बुक में देखेंगे, तो यहाँ पर रस्सी से बांध के एक ट्यूब लटकाई जाती है, उस ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड भरा जाता है, उस ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड भरा जाता है। अब देखिए क्या होगा, मान लीजिए आपके घर के आसपास कहीं आग लग गई हो, ठीक है, तो उस केस में लोगों का, आपने चीज़ देखा होगा, लोग जब फायर एक्सटिंग्विशर उठाते हैं तो उसको हिलाते हैं या उसको एक बार पटक देते उठाकर, अगर जब आप इसको पटकेंगे, अभी तो ये ऐसे है, ये देखिए ट्यूब का माउथ खुला हुआ है, यानी कि जब आप इसको पटकेंगे तो ये सल्फ्यूरिक एसिड अभी भी उस ट्यूब में रहेगी या फिर वो नीचे निकल जाएगी, नीचे गिरेगी, और नीचे गिर के वो किससे मिक्स हो जाएगी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। फिर क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक एज ए बेस काम करेगा और सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। कौन सी गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि हाँ जो कि सपोर्ट नहीं करती है किसको, कम्बस्टन को, यानी कि जो आग लगी है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अमाउंट इस पाइप की वजह से भर जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और वहाँ पे ऑक्सीजन की अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे जैसे ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती जाएगी, आग आपका धीरे धीरे बुझना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही है एक्चुअल लॉजिक, द लॉजिक बिहाइंड द फायर एक्सटिंग्विशर, जो फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज करते हैं उसके पीछे का यही लॉजिक है। आपने इसे देखा होगा, वो कुछ प्रेस करते हैं, यहाँ पे कैप लगा रहता है नोजल की हेल्प से, उसको जब प्रेस करते हैं तो यहाँ से ढेर सारी गैस निकलती है, वो गैस कौन सी होंगी, गैस वेरी राइट, दो गैसेस आर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो चलिए अभी हम लिखाएंगे बाद में आपको, पहले हम आपको अच्छा आपको बता देते हैं कितना आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ तक आप लिख लेंगे। अब हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, यही चीज़ जो हमने आपको अभी बताया वापस से यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कंटेनर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड इन सेपरेट कंटेनर्स इनसाइड देम, व्हेन द नॉब ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर इज प्रेस्ड, जब आप उसके नॉब को दबाते हैं, या व्हेन द फायर एक्सटिंग्विशर इज इन्वर्टेड, या फिर जब हम फायर गैस सिलेंडर जो है हमारा एक्सटिंग्विशर है हम उसको उल्टा कर देते हैं, तो जो ट्यूब में लगी हुई सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या होगी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से मिक्स हो जाती है और ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। द प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस फोर्सेस अ स्ट्रीम ऑफ लिक्विड टू फॉल ऑन द बर्निंग सब्सटेंस, फिर इससे ढेर सारी गैस निकलेगी और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हेल्प से थोड़ी थोड़ी कुछ पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस कमिंग आउट अलॉन्ग विद द लिक्विड फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड द बर्निंग सब्सटेंस एंड कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, ये क्या होगा, आग के चारों तरफ इकट्ठा हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन पहले से था वो तो जल रहा है, यानी कि अभी तक वो हेल्प कर रहा है जलने में, लेकिन बाहर से और ऑक्सीजन अब वो आने नहीं देगा, यानी कि ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाएगी और धीरे धीरे आपका आग पे कंट्रोल बन जाएगा। सिंस द सप्लाई ऑफ एयर इज कट ऑफ, क्योंकि हवा का सप्लाई रुक गया तो ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग स्टॉप्स एंड फायर गेट्स एक्सटिंग्विश्ड, और इस तरह से आग बुझ जाती है। द स्ट्रीम ऑफ लिक्विड फॉलिंग ऑन द बर्निंग सब्सटेंस ऑल्सो हेल्प्स इन पुटिंग ऑफ द फायर बाई कूलिंग द बर्निंग सब्सटेंस टू बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अब एक चीज़ और आपने नोटिस किया होगा, इसमें एक चीज़ कहा गई है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो उसके साथ साथ कुछ लिक्विड के पार्टिकल्स भी आते हैं, और वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑक्सीजन को आने से रोक दिया, यानी कि आग अब बढ़ेगी नहीं, और वो जो छोटे छोटे लिक्विड के पार्टिकल्स आ रहे हैं वो जो आग लगी थी तो वो चीज़ जल रही होगी, हीट रही होगी, उसको धीरे धीरे ठंडा करने का काम करता है। इग्निशन टेम्परेचर का मतलब वो टेम्परेचर जिस पे कोई चीज़ खूब तेज़ी से जल रहा हो, इग्निशन का मतलब बर्निंग होता है।
पूरा प्रोसेस क्लियर है तो एक काम करिए, आप इसको यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे और ये पूरा डायग्राम आप बना लेंगे। क्लियर है, कर सकते हैं? हाँ। ये फिर से वही सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको होमवर्क रहेगा, आप इसको घर पे एक बार जरूर पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ने से पहले, बिफोर वी गो फर्दर एंड डिस्क्राइब ब्लीचिंग पाउडर, हम ब्लीचिंग पाउडर पढ़ें उससे पहले वी शुड नो द मीनिंग ऑफ टू टर्म्स, ब्लीचिंग एजेंट एंड डिसइंफेक्टेंट। ब्लीचिंग एजेंट क्या होते हैं और डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, हमें इनके बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा, तब हम अगली टॉपिक ब्लीचिंग पाउडर कल पढ़ पाएंगे। अ सब्सटेंस विच रिमूव्स कलर, आपको ये चीज़ याद रखना है, यहाँ से नोट पॉइंट बना के आप लिख लेंगे। अ सब्सटेंस विच रिमूव्स कलर फ्रॉम द कलर सब्सटेंस एंड मेक्स देम कलरलेस इज कॉल्ड अ ब्लीचिंग एजेंट। कोई भी कलरफुल सब्सटेंस क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर कलर्ड पार्टिकल्स होते हैं। जब आप उस कलर्ड पार्टिकल्स को उस कलर्ड कंपाउंड से अलग करते हैं तो जो केमिकल यूज किया जाता है उस केमिकल को हम बोलते हैं ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग का मतलब ये होता है किसी भी कलरफुल कंपाउंड से कलर को निकाल लेना, तो निकालने वाले के काम करने वाले को क्या कहेंगे हम, ब्लीचिंग एजेंट कहेंगे। इन अदर वर्ड्स, अ ब्लीचिंग एजेंट डीकलराइज कलर सब्सटेंस। आप ये भी कह सकते हैं कि ब्लीचिंग एजेंट क्या करता है, जो कलरफुल कंपाउंड्स है उसको कलरलेस बनाता है, यानी कि उनके कलर्ड पार्टिकल्स को वो रिमूव कर देता है। दूसरा, अ सब्सटेंस विच इज यूज टू किल द जर्म्स और बैक्टीरिया इज कॉल्ड अ डिसइंफेक्टेंट। इन्फेक्टेंट का मतलब जर्म्स बढ़ाने वाला, डिसइंफेक्टेंट का मतलब जर्म्स को मारने वाला। क्लियर है ना? हाँ, तो कुछ ऐसे भी केमिकल्स यूज किए जाते हैं जो कि जर्म्स को मारने के काम आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, दो हजार नोन एच ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, या फिर हम उनको डिसइंफेक्टेंट भी कहते हैं। कीपिंग दीज पॉइंट्स इन माइंड वी विल नाउ स्टडी ब्लीचिंग पाउडर। तो हम कल ब्लीचिंग पाउडर पढ़ेंगे, उसके लिए आपको इस चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। टिल दैट, थैंक यू सो मच।